अच्छा, जिस तरह हर चीज़ को हम ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, उसी तरह हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम कंटेंट को रिमूव या डिलीट कैसे कर सकते हैं। और द गुड न्यूज़ अबाउट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, CMS इज़ इट नोज़ हाउ टू मैनेज कॉन्टेंट, इट नोज़ हाउ टू अलाउ यू टू एडिट कॉन्टेंट एंड इट नोज़ कि जब भी आप कोई कॉन्टेंट रिमूव करते हैं उसको कहाँ रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपको उसकी एक्सेस देनी है। तो डिलीटिंग अ कंटेंट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज नोइंग कि आपने कब कंटेंट को ऐड करना है और एडिट करना है। सो वन सिंपल वे, बड़ा ही सिंपल तरीका, इज़ टू क्लिक ऑन द ट्रैश बटन या जो लिंक है आपकी पोस्ट पे। ये ट्रैश आपने कभी सुना है या देखा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके विंडोज़ पे, आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसाइकल बिन आपको नज़र आता है। तो ये वो एरिया होता है आपको, इसमें आप फाइल्स को डाल सकते हैं एंड दोज फाइल्स विल स्टे देयर, दोज आर द फाइल्स दैट यू वांट टू रिमूव। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही आप वर्डप्रेस में फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में भेज सकते हैं। आखिर वर्डप्रेस भी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्डप्रेस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वेब, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द वेब। सो इट विल वर्क एग्जैक्टली लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, वन सिंपल वे इज़ टू क्लिक ऑन द ट्रैश लिंक एंड वहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। द अदर वे इज़ टू गो इन द पोस्ट, इन द पेज एंड देन डिलीट इट परमानेंटली। वहाँ पर आपको डिलीट परमानेंटली का एक लिंक नज़र आएगा, वहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें और थोड़ा सा कॉशियस हों। क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा कॉन्टेंट चला गया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट कॉन्टेंट टू कम बैक। तो आपने सोचना है, आपने देखना है कि किस टाइम पर आपने कॉन्टेंट को डिलीट करना है और क्यों डिलीट करना है। सो एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताई इज़ to delete the content from the list, trash का आइकन आप क्लिक कर सकते हैं। The other option is obviously कि आप post में जाएं और वहाँ से इसको delete करें। आप trash वाले link पे भी जा सकते हैं और trash के link पे जाने के बाद जो आपको post नज़र आ रही हैं उनको आप वहाँ से permanently भी delete कर सकते हैं। So these are a few options that you have available that you should explore, but again very careful, be very cautious एंड बी वेयर। एक दफ़ा आपका कॉन्टेंट चला गया तो दोबारा आपका कॉन्टेंट वापस नहीं आ सकता। एंड यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल आइटम्स एज वेल, आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन डिलीट दोज मल्टीपल आइटम्स राइट फ्रॉम दैट प्लेस, दैट इज़ द ट्रैश वाला जो एक सेक्शन है। आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कैन आई क्विक एम्प्टी ट्रैश, क्या ट्रैश से मैं अपनी फाइल्स को एक सारी साथ डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं? सो यू कैन नॉट डू दैट, बट इफ़ यू हैव अ प्लग इन तो यू कैन क्विक एम्प्टी ट्रैश एज वेल। उसके अलावा आप क्या ट्रैश को एम्प्टी करने से डिसेबल कर सकते हैं? वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रैश ऑटोमेटिकली 30 डेज बाद आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा परमानेंटली। तो आप प्लग इन इंस्टॉल कर सकते हैं विच विल अलाउ यू टू कीप योर पोस्ट इन द ट्रैश कैन फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। साथ ही एक और फीचर ये कि क्या आप डिलीटिंग के साथ पोस्ट को क्लोन भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं? वो भी आप कर सकते हैं। वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वील लॉग इन। याद रखें कि जिस सेक्शन को आपने डिलीट करना है आपने उसी में जाना है। अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट में जाएंगे, अगर आप पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पेजेस में जाएंगे। पोस्ट में मैं जाऊँगा आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है कि आप इधर जाएं और इधर जो बिन आपको लिखा नज़र आ रहा है, जिसको पहले वर्डप्रेस में ट्रैश कहा जाता था, आप उसको क्लिक करें। ये आपको रेड में नज़र आएगा। रेड में इसलिए मार्क हुआ है बिकॉज इट्स शोइंग यू कि यू आर अबाउट टू परफॉर्म अ वेरी सीरियस टास्क।
you will be putting this content in the trash bin. To main agar isko bin pe yahan click karu to automatically content bin mein move ho gaya. Wo mujhe dikha bhi raha hai ki one post has been moved to the bin. Aur upar mujhe nazar bhi aa raha hai ki bin se related ek naya section create ho gaya hai jis pe main abhi thodi der mein detail mein jaunga. Aap ek aur cheez bhi notice karenge ki yahan pe jo content hai aapka wo gayab ho gaya. Gayab isliye ho gaya because now it has been moved to the bin, it has been moved to the trash can. Iska pehle kuch WordPress ke versions mein naam hota tha trash, now it's called bin. Dono mein fark please note kijiyega. Iske alawa agar main jaun is post ko edit karne to wahan se bhi I can move this post to the bin or I can delete it. Aap mein se kafi log honge jo shayad delete ka button dhoond rahe ho. So there is nothing called delete, it's always move to the bin ya bin ka जो एक आइकन है या लव्ज़ है वो अपने जेहन में रखिएगा. यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में नज़र आ रहे मूव टू द बिन, सो आई कैन क्लिक ऑन मूव टू द बिन एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये पोस्ट बिन में मूव होगी. और आप देख रहे हैं कि अब मुझे वो दिखा रहे हैं कि बिन में अब दो पोस्ट हैं. नाउ लेट्स गो टू दैट बिन सेक्शन एंड वहाँ पर देखते हैं कि ये जो दो पोस्ट हैं ये क्या हैं. सो वो आपको दिखा रहा है कि पोस्ट आपके पास दो हैं. ये ख्याल रखिएगा कि आप पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते बिन में, आपको पोस्ट को पहले रिस्टोर करना पड़ेगा फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं. व्हाई डू वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट? वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट ताकि अगर हमने गलती से कोई पोस्ट डिलीट कर दी है या हमारे ही किसी और यूज़र ने कर दी थी एंड वी वॉन्ट टू एक्सेस इट अगेन, वी नीड टू रिस्टोर इट. सो लेट मी क्लिक ऑन रिस्टोर फॉर वन ऑफ द पोस्ट. तो ये पोस्ट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी. But what if I want to delete it permanently? I will click on delete permanently. Please be very very careful with this. Ek dafa aapki post permanently delete hogi, it's gone, it's vanished from the planet, from everywhere, from your memory, from WordPress. Har jagah se aapki post ab delete ho chuki hai. There is no way humanly possible to get back that post. Aapka content ja chuka hai. So please be very careful while using this. So अब ये bin में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एक post हमने restore कर दी थी, एक post हमने delete कर दी थी permanently. अगर आप चाहें तो आप multiple posts को भी bin में भेज सकते हैं. Move to the bin, apply. अब आप देख रहे हैं कि bin में तीन posts आ गई हैं. अगर आप pages में जाएं तो यहाँ आपको bin नहीं नज़र आएगा. So it's kind of confusing. कि पोस्ट में तो मुझे बिन नज़र आ रहा था लेकिन मुझे पेजेस में बिन नज़र नहीं आ रहा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पोस्ट का बिन सेपरेट है, पेजेस का बिन सेपरेट है. हर पोस्ट टाइप का बिन सेपरेट होगा. तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ब्लॉग को मैं बिन करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ. सो अगेन गोइंग बैक टू द पोस्ट, आई कैन क्लिक ऑन बिन एंड सी कि कौन कौन सी वहाँ पर पोस्ट हैं एंड आई कैन रिस्टोर दैम और डिलीट दैम परमानेंटली. याद आपने रखना है कि बिन्स आर सेपरेट. एड न्यू प्लगइन्स में मैं जाऊंगा और एड न्यू प्लगइन्स में अगर आप ट्रैश से रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो वी विल ट्राई टू फाइंड इफ वी कैन फाइंड अ गुड प्लगइन. तो एक प्लगइन हमें मिला है डिसेबल एम्प्टी ट्रैश, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूं. और एक प्लगइन मुझे मिला है ऑटोमेटिकली एम्प्टी ट्रैश, ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. एक एक करके मैं दोनों को एक्टिवेट करूँगा. I'll go to plugins. I'll click on disable. पहले मैं Elementor को quickly deactivate करूँगा. और साथ ही साथ मैं disable empty trash को activate करूँगा. So जैसे ही मैंने ये activate किया है it will posts में एम्प्टी बिन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए. सो व्हाट इट सेज इज कंप्लीटली डिसेबल्स द ऑटोमेटिक ट्रैश एम्प्टी फॉर वर्डप्रेस पोस्ट. मतलब अब ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पोस्ट हर 30 दिन बाद नहीं जो है वो डिलीट होंगी. सो वी विल डीएक्टिवेट दिस प्लगइन. इसी तरह आप डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रैश. एक और प्लगइन है क्लोन पोस्ट का, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ.
क्लोन पोस्ट क्या करेगा कि अगर आपने एक चीज़ को डुप्लीकेट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट और क्लोन बटन एंड यू कैन रेप्लीकेट दैट पोस्ट। ये आपको बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बहुत डिफरेंट तरह का कॉन्टेंट है और आप उसको रेप्लीकेट करना चाह रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आई विल गो ऑन पेजेस एंड आई कैन जस्ट क्विकली लुक एट वन ऑफ द पेजेस जिस तरह अबाउट सेक्शन एंड आई कैन क्लिक ऑन क्लोन। इस तरह आप पेजेस को क्लोन या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप देखें ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट हो गया। सो इस लेसन में हमने सीखा कि आप किस तरह से ट्रैश या बिन को हैंडल कर सकते हैं, पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं मल्टीपल आइटम्स को, और क्लोन साथ साथ कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली यू विल गेट टू लर्न मोर फीचर्स इन द अपकमिंग लेसन्स। सो यू नो बी विद अस।